हेलो बच्चों, हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2.2। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वन मोल ऑफ मेथेन। तो अगर हम लोग बात करें कि वन मोल ऑफ मेथेन जो होती है वो तो किसके इक्वल होती है, तो ये इक्वल होती है 6.023 × 10³ मेथेन के मॉलिक्यूल के इक्वल, राइट? क्योंकि वन मोल में इतने हमारे क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, तो मेथेन है तो इतने मेथेन के मॉलिक्यूल होंगे। और वन मेथेन जो होता है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कार्बन कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है तो 6 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का 4 1 होता है तो 1 इलेक्ट्रॉन, 4 है तो 4 × 1 यानी कितने हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो एक मेथेन में 10 इलेक्ट्रॉन है तो 6.023 × 10³ मेथेन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वन मोल मेथेन में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इक्वल टू, यानी 6.023 × 10³ इलेक्ट्रॉन्स कितना आ जाएगा। मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है तो 10 और 23 इसको 1 हो जाएगा, तो 23 कितना हो जाएगा, 23 1 24, यानी आ जाएगा 6.023 × 10⁴ इलेक्ट्रॉन्स, यानी वन मोल ऑफ मेथेन में इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहे थे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहे हैं कि फाइंड द टोटल नंबर एंड टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 7 मिलीग्राम ऑफ कार्बन-14। हमसे कह रहे हैं 7 मिलीग्राम ऑफ कार्बन-14 में कितने न्यूट्रॉन्स होंगे, ठीक है? तो हम लोग पहले देख लेते हैं कि जो हमारा कार्बन-14 है तो इस कार्बन-14 में कितने न्यूट्रॉन्स होंगे। तो हम जानते हैं इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, और हम जानते हैं फॉर्मूला ए इक्वल टू क्या होता है, पी प्लस एन, यानी प्रोटॉन्स के नंबर और प्लस न्यूट्रॉन्स के नंबर। तो एटॉमिक मास हमें दिया हुआ है 14, तो ए की जगह पर कितना आ जाएगा 14 इक्वल टू, प्रोटॉन्स कितने हमारे हैं 6 प्लस न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे हमें पता नहीं, न्यूट्रॉन्स इक्वल टू कर 14 − 6 यानी कितना आ जाएगा 8। अच्छा ध्यान रखिए न्यूट्रॉन्स जो हमने प्रोटॉन लिखे हैं वो एटॉमिक नंबर जितना होता है उतने ही प्रोटॉन होते हैं, राइट? 6 एटॉमिक नंबर था तो 6 प्रोटॉन। अब हमें बात करनी है कि वन मोल कार्बन-14 में कितने न्यूट्रॉन होंगे। तो वन मोल कार्बन-14 किसके इक्वल होगा, वही अब अगर दो नंबर यानी 6.023 × 10³ कार्बन होंगे, इसके अंदर कार्बन के एटम होंगे 6C14 होंगे, ठीक है? और हमें एक 6C14 में कितने न्यूट्रॉन्स हैं 8, तो 8 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो यानी कितना हो जाएगा इतने न्यूट्रॉन्स हमारे हो जाएंगे। मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 8 3 कितना हो जाएगा हमारा, 8 3 कितना हो जाएगा 24 का 4 2 आ जाएगा, 8 2 16 2 कितना हो जाएगा 18, 8 6 48, 3 के बाद पॉइंट लगा, 3 के बाद पॉइंट लग जाएगा 10³ न्यूट्रॉन्स, इतने न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे। देन हम क्या कर लेते हैं, पॉइंट को एक कदम इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 4.8184 × 10⁴ कितनी हो जाएगी 24 न्यूट्रॉन्स, यानी इतने न्यूट्रॉन्स होंगे वन मोल 6C14 में। लेकिन हमें वन मोल की बात नहीं करनी थी, हमें बात करनी थी 7 मिलीग्राम की। तो वन मोल जो 6C14 है वो 14 ग्राम कार्बन के इक्वल होगा 6C14, राइट? और यानी 14 ग्राम ऑफ कार्बन जो है, 14 ग्राम ऑफ कार्बन, इसमें न्यूट्रॉन्स कितने हैं 4.8184 × 10⁴ न्यूट्रॉन्स हैं। अगर हम लोग बात करें 1 ग्राम ऑफ कार्बन-14 में, 1 ग्राम ऑफ कार्बन-14 में कितने न्यूट्रॉन होंगे, तो 14 पूरा इसके नीचे चला जाएगा, 10⁴ न्यूट्रॉन्स, ये 14 पूरा हमारा नीचे आ जाए क्या आ जाएगा 14। अभी हमें पता करना है कि 1 ग्राम को अगर हम लोग मिलीग्राम में कन्वर्ट कर दें तो 1 ग्राम में 10³ मिलीग्राम होते हैं, तो 1 मिलीग्राम ऑफ कार्बन-14 इक्वल टू क्या हो जाएगा
10 की पावर 3 जो आएगी यहाँ पे वो कहाँ चली जाएगी, 10 की पावर 3 इसके नीचे आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा 4.8184 10 की पावर 24 अपॉन 14 इंटू यहाँ पे क्या देख 10 की पावर 3 इंटू, ठीक है। देन हमें 7 मिलीग्राम में पता करना है, तो 7 मिलीग्राम ऑफ कार्बन 14 में कितने हो जाएंगे, 4.8184 10 की पावर 24 अपॉन 14 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 7 से, ठीक है, तो हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 7 न्यूट्रॉन्स। सॉल्व कर लेते हैं, 7 7 7 2 14, 2 1 2, 2 2 4, 2 4 8, 0 लगा देंगे 9 18, 2 2 4, यानी वैल्यू में क्या मिल गई 2.4092। नीचे 10 की पावर 3 है, पड़ जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 24 में से 3 चले जाएंगे, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएगी, तो 10 की पावर 24 माइनस 3 कितना हो जाएगा 10 की पावर 21 हो जाएगा, यानी हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 2.4092 इंटू 10 की पावर 21 न्यूट्रॉन्स, राइट। देन हमसे पूछ क्या रहे थे, हमसे कह रहे थे कि इन न्यूट्रॉन्स जो 7 मिलीग्राम ऑफ कार्बन 14 है इनका मास कितना होगा, यानी मास ऑफ वन न्यूट्रॉन कितना होता है, मास ऑफ वन न्यूट्रॉन हमें दे रखा है 1.675 10 की पावर 27 किलोग्राम, ठीक हो जाएगा 27 किलोग्राम, और इतने न्यूट्रॉन्स का मास कितना हो जाएगा, तो यानी मास ऑफ 2.4092 इंटू 10 की पावर 21 न्यूट्रॉन्स इक्वल टू, यानी इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2.4092 इंटू 1.675 इंटू 10 की पावर -27 इंटू 10 की पावर 21 किलोग्राम, राइट। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होंगी, 27 21 गए, बचेगा 6 हमारा, जो बड़ा होता है उसका साइन माइनस का साइन लग जाएगा, इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे इसको हम लोग, तो क्या हो जाएगा 2.4092 मल्टीप्लाई पे 1.675, 5 2 10 का 0 1 आया, 5 9 45, 46 हो गया, 5 5 20 का 0 2 आया, 5 2 10 2 12, 7 2 14 का 4 1 आया, 7 9 63, 164 का 4, 7 4 28 का 8 2 आया, 7 2 14 2 16, 6 2 12 का 2 1 आया, 6 9 54 55, 6 4 24 का 4 2 आया, 6 2 12 और 2 14, राइट। देन ये हो जाएगा, फिर हमारा हो जाएगा 2 का 2 9 का 9, 0 का 0, 4 का 4 2 का 2, ऐड कर दीजिए 0 का 0, 6 4 10 का 0 1 आया, 4 1 5, 4 9 2 11 का 1 आया, 1 आया, 6 1 7 5 12 2 14 4 1 आया, 2 1 3 8 11 5 16 9 25 5 ऐसे लगा 2, 2 1 3 6 9 4 3 लगा 1, 1 1 2 4 6 4 10 लगा 1, 2 1 3 और 4, पॉइंट कितने के बाद लगा है 3 4 7 के बाद पॉइंट लगा है, 7 के बाद क्या लग जाएगा 3 5 2 7 के बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी आ गया 4.0354 10 की पावर -6 किलोग्राम। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है फाइंड द टोटल नंबर एंड टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स इन 34 मिलीग्राम ऑफ NH3 एट STP, ठीक है, 34 मिलीग्राम अमोनिया में हमें प्रोटॉन्स के नंबर और उनका मास निकालना है, तो सॉल्व करते हैं। में कितने प्रोटॉन्स हो जाएंगे, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है कितना 7, तो इसमें कितने हो जाएंगे 7 प्रोटॉन हो जाएंगे, इसका एटॉमिक नंबर हो गया 7, तो इसमें प्रोटॉन कितने होंगे 7 हो जाएंगे, जितना एटॉमिक नंबर उतने प्रोटॉन और उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 7 हो जाएगा प्रोटॉन्स, एटम में जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन होते हैं, तो 7 प्रोटॉन हो गए इसके अंदर। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो 1 प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन होगा, 3 है तो 1 इंटू 3 प्रोटॉन्स हो जाएगा,
यानी टोटल प्रोटॉन्स कितने आ जाएंगे, 7 3 10 प्रोटॉन्स आ जाएंगे, राइट। अब अगर हम लोग बात करें 1 मोल अमोनिया की, तो 1 मोल अमोनिया में कितने NH3 के मॉलिक्यूल होंगे, तो ये हमारा हो जाता है किसके इक्वल, 17 ग्राम ऑफ NH3 के, क्योंकि नाइट्रोजन का 7 14 एटॉमिक मास, हाइड्रोजन का 1 3 2 1 3 हो जाएगा और 7 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, ठीक है। देन 17 ग्राम ऑफ जो अमोनिया हमारी होगी, यानी वो किसके इक्वल हो जाएगी, तो 6.2023 × 10³³ NH3 होंगे इसके अंदर, और एक NH3 में कितने प्रोटॉन थे, 10 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कितना देगा, 6.023 × 10²² प्रोटॉन्स, ठीक है। देन हम जानते हैं कि 1 ग्राम ऑफ अमोनिया जो होगी अगर हम करें तो 17 कहाँ चले जाए, इसके नीचे, और अगर हम लोग क्या बात करें, अगर हम लोग बात करें कि 1 मिलीग्राम की अमोनिया की, तो 1 ग्राम में 10³ होगा, 10³ कहाँ चले जाएगा, इसके नीचे, यानी आ जाएगा 6.023 × 10²² डिवाइड बाय 17 और मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा, 10³ नीचे आ जाएगा प्रोटॉन्स। 34 मिलीग्राम अगर की हम बात करें, तो हम क्या कर देंगे इसको, 34 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, नहीं 34 मिलीग्राम ऑफ अमोनिया इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6.023 × 10²² डिवाइड बाय 17 × 10³ × 34 प्रोटॉन्स। सॉल्व कर लेते हैं, 71 17 72 34, 10³ नीचे है हमारा, 10³ ऊपर जाएगा, किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा, 10³ में से 24 में 3 चला जाएगा, कितना बचेगा, 21, इसकी मल्टीप्लाई कर दें, 2 6 2 4 0 0 2 6 12 12.046 10²21। यहाँ पर क्या है, इतने हमारे पास प्रोटॉन्स आ गए 34 मिलीग्राम ऑफ अमोनिया में। हमें मास निकालना है, तो हम जानते हैं कि मास ऑफ वन प्रोटॉन कितना होता है, मास ऑफ वन प्रोटॉन होता है हमारा 1.6749 × 10⁻²⁷ × 10⁻²⁷ किलोग्राम, राइट। तो मास ऑफ कितनी वैल्यू हमें आई है, यानी मास ऑफ 12.046 × 10⁻²⁶ प्रोटॉन्स कितना हो जाएगा, इस पूरी वैल्यू को हम क्या कर देंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी आ जाएगा 1.6749 × 10⁻²⁷ का इंटू 12.046 × 10⁻²⁷ किलोग्राम। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है, 10⁻² कितना आ जाएगा, सर 27 और 21 गए, 6 बचेगा, जो बड़ा उसका साइन यानी माइनस का आ जाएगा, 1.6749 × 12.046 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 20.2093 × 10⁻²⁶ किलोग्राम। पॉइंट को एकदम बदल लाएंगे, 2.02093 × 10⁻¹, ये 10⁻¹ आ जाएगा, तो 10 मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, तो 10⁻¹ कितना हो जाएगा, −5 किलोग्राम। आगे हमसे कह रहे थे कि विल द आंसर चेंज इफ द टेम्परेचर एंड प्रेशर आर चेंज, यानी टेम्परेचर प्रेशर चेंज करने पर कोई चेंज होता है या नहीं। तो देखिए कि अगर टेम्परेचर प्रेशर चेंज कर देंगे तो कार्बन थोड़ी ना चेंज हो जाएगा, कार्बन कार्बन तब तक है जब तक कि उसका न्यूक्लियस का अस्तित्व, यानी कार्बन उसके अंदर क्या 6 प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है उसके अंदर, अगर उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के नंबर क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, तो कार्बन का अस्तित्व क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, वो कार्बन कार्बन रह ही नहीं जाएगा। तो यानी टेम्परेचर प्रेशर चेंज करने पर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, राइट, यानी उनके नंबर्स क्या रहेंगे, अनचेंज रहेंगे, तो वैल्यू भी हमारी क्या रहेगी, अनचेंज रहेगी, राइट। तो आई होप आपको सॉल्यूशन समझ में आया हो, सॉल्यूशन समझ में आया वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद।